बेटा हम कुछ आज उस तरह की फसलें के बारे में बात करेंगे जो कि आपके ट्रेडिशनल क्रॉप्स नहीं होते हैं, और वो क्या करेंगे कि वो आपकी डिपेंडेंसी कम करेंगे आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर, ठीक है। और कुछ इस तरह की वैल्यू वाले होंगे जो कि आपकी मतलब प्लांट या क्रॉप के नाइट्रोजन जो कंटेंट कम हो जाता है धीरे धीरे प्लांट में, हमारे जब वो प्लांट ग्रो करना शुरू करते हैं तो उनको बढ़ाने वाले, ठीक है। तो जैसे है आपका ग्रीन मैन्योर, आपको पता होगा ग्रीन मैन्योर, आपने शायद नाम सुना होगा। ग्रीन मैन्योर क्या होता है? ग्रीन मैन्योर बेटा ऐसा होता है कि जैसे कि कोई भी प्लांट खड़ा है, ठीक है, जैसे कोई भी प्लांट है, आपने इसे इनफैक्ट इसे अगर आप जमीन में प्लो करने के बाद अगर इसे आप दबा देते हैं, गाड़ देते हैं, फिक्स कर देते हैं इसे अगर आप, तो इस प्लांट बॉडी में जो भी कंटेंट होगा, जैसे आपने इसे यहाँ पर दबा दिया इसे मिट्टी से, तो इसमें जो नाइट्रोजन का कंटेंट होगा वो सॉइल में चला जाएगा और आपकी नई फसल के लिए यानी कि नए क्रॉप के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आपके नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाने के लिए जैसे आपके कुछ लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं आप उनको भी इस तरह से मतलब आफ्टर प्लोइंग योर फील्ड आप उनको प्रेस कर सकते हैं और अपने जो क्रॉप के लिए है उसके या फिर रेसिड्यू है उनको तो बेनिफिशियल होते हैं ये। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है आपका सन हेम्प का, किसका? सन हेम्प एक तरह से प्लांट प्लांट का नाम है ये। सन हेम्प में क्या होगा कि इसमें भी हम जैसे इसको करने के बाद इसका जो पूरा का पूरा प्लांट है उसे हम जमीन में प्लोइंग के बाद यानी कि खुदाई के बाद उसे हम फिर आप उसे दबा देते हैं यानी कि उसे गाड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन की जो वैल्यू है वो मेंटेन हो जाती है। नाइट्रोजन कंटेंट मेंटेन इन सॉइल फॉर फ्यूचर क्रॉप्स, ठीक है। अब दूसरा आता है बेटा एनर्जी क्रॉप्स। एनर्जी क्रॉप्स किस लिहाज में, वो मैं बताता हूँ कि किस लिहाज में बात कर रहा हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। एनर्जी क्रॉप्स कुछ बेटा इस तरह की फसलें होती हैं, एनर्जी क्रॉप्स इस तरह के होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं जो भी आपके पेट्रोल डीजल वगैरह वाले, तो इन पे आपकी डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और एफिशिएंसी भी इनकी तरह से धीरे धीरे ऐसे कुछ ज़्यादा बहुत कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ताकि वो और अच्छे से वर्क कर सकें और इनकी जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम हो सके, तो एनर्जी क्रॉप्स होती हैं। एनर्जी क्रॉप्स में आपके जैसे कि पोटैटो हो गया, शुगर कैन हो गया, मेज़ वगैरह हम यूज़ करते हैं और उनका यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। और अल्कोहल को क्या करते हैं फिर, जैसे कि कंट्री है ब्राज़ील, वो क्या करती है कि उसने पूरा का पूरा पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल से चलने वाली जितनी भी हैं उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया है इन एनर्जी क्रॉप्स के जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके थ्रू, ठीक है। तो उसमें वो क्या करते हैं जैसे अल्कोहल को यूज़ करते हैं अपने व्हीकल में, और यूएसए में क्या होता है 10-15% अल्कोहल को पेट्रोल के साथ में मिक्स करके यानी कि गैसोहल जैसे बोल सकते हैं गैसोहल, और उनको यूज़ करने के बाद फिर वो अपने व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया बात? तो इस तरह से काम चलता है एनर्जी क्रॉप्स का, ठीक है। लाइक ब्राज़ील रिप्लेस कंप्लीट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग एल्कोहल। अब एल्कोहल में आपके इथेनॉल मीथेनॉल कुछ भी हो सकते हैं, इथेनॉल और मीथेनॉल दोनों ही एल्कोहल हैं, लेकिन दोनों के कुछ उनका जो कंटेंट है उसमें अलग है, जैसे एक C2H5OH है और एक CH3OH है। तो इथेनॉल और मीथेनॉल दोनों को ही यूज़ करके वो लोग यूजिंग एल्कोहल इन ऑटोमोबाइल्स, कुछ ऑटोमोबाइल्स बोलते हैं कुछ ऑटोमोबाइल्स बोलते हैं, तो इसमें हम ये नहीं पढ़ना है ऑटोमोबाइल्स, आप अगर मोबाइल्स बोलना चाहें मोबाइल्स बोलें या फिर ऑटोमोबाइल्स बोलें। इसके एग्जाम्पल प्लांट्स हैं कौन कौन से हैं आप इनकी यूज कर सकते हैं, जैसे कि पोटैटो, पोटैटो से भी आप क्या करते हैं पोटैटो से भी आप अल्कोहल बना सकते हैं। आपका हो गया मेज, मक्का, शुगर कैन, शुगर बीट, इन हम क्रॉप्स को यूज करते हुए ये एनर्जी क्रॉप्स इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि हम इनको इनसे जो है अल्कोहल बना के फिर अपने व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं ऑटोमोबाइल्स में, जैसे कि यूएसए मिक्स 10-15%
alcohol with petrol. और फिर उनको फिर वो यूज करते हैं अपने व्हीकल्स में. क्लियर हो गया, ये समझ आया आपका एनर्जी क्रॉप्स का. अब इसके बाद आता है बेटा पेट्रोलियम क्रॉप्स. फिर मैं बताऊंगा आपको पेट्रोलियम क्रॉप्स. क्लियर हो गया. पेट्रोलियम क्रॉप्स में एक एग्जांपल है जैसे जेट्रोफा हो गया, यूफोर्बिया हो गया. तो इनका क्या होता है कि इनसे प्लांट में जब आप कट करेंगे पेट्रोलियम क्रॉप्स जैसे कि जेट्रोफा या फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूं पहले जेट्रोफा या फिर यूफोर्बिया या यूफोर्बियासी फैमिली का यूफोर्बिया प्लांट का नेम है ये यूफोर्बिया. इन प्लांट को जैसे आप अगर कट करेंगे तो कट करने के बाद क्या होगा, यहाँ से मिल्की एक सब्सटेंस रिलीज होता है जैसे हम क्या बोलते हैं लेटेक्स. क्या बोलते हैं जैसे हम लेटेक्स. तो हम उन लेटेक्स को इस तरह से उसे कट करते हैं जिसमें कि जो हाइड्रोकार्बन चेन है और इनके उसमें जो प्रोडक्ट में यानी कि लेटेक्स में दोनों का एक तरह से सिमिलर हो. कॉम्पोजिशन जब सेम होगा तभी तो काम कर पाएगा ना वो. तो जो पेट्रोल है और लेटेक्स है दोनों के हाइड्रोकार्बन का कंपोजिशन जब सेम होगा तो आप फिर उसे आप यूज कर सकते हैं उस लेटेक्स को. तो वही पेट्रोलियम क्रॉप्स के नाम पे हैं और इनके प्रोडक्ट को हम इस तरह से यूज करते हैं. ठीक है, तो यूजिंग लेटेक्स एंड मॉडिफाई इट सिमिलर टू पेट्रोल. क्लियर हो गया. तो फिर हम इनको भी मॉडिफाई करके फिर अपने व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं और एक तरह से कि जो आपके फॉसिल फ्यूल हैं हम उन पर डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं. तो आप यहाँ पर अभी आप पढ़ रहे थे कि स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. तो उसके साथ में आप कुछ जो आपकी जो प्लांट्स हैं प्लांट्स की ब्रीडिंग में जो आप देख रहे थे कि आप कुछ इस तरह से भी इम्प्रूवमेंट करके अपनी फसलों को बेहतर बना सकते हैं. अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, थैंक यू.